कहानी दी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मिशन शक्ति के अंतर्गत यूपीएस मोहनपुर में आज हम लोगों ने पोस्टर प्रतियोगिता के साथ, वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ हम लोगों ने बच्चों को निबंध प्रतियोगिता भी कराई है। तो हम लोगों की जब शुरुआत हो रही है तो हम अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछते हुए चलेंगे। सबसे पहले चांदनी, आप दिखाइए पोस्टर और क्या लिखा आपने इसमें। लड़की लड़का एक समान, इसका अर्थ हमेशा ध्यान। वेरी गुड। लड़की लड़का आप सब मानते हैं लड़की और लड़का एक है, है ना? कहीं पर भी उसको जो है उसको सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। मानसी आपने भी लिखा है, पढ़ के सुनाए। मैम इसमें लिखा है, बेटियों को दो इतनी पहचान, बड़ी होकर बने देश की शान। जन जन का यही नारा है, नारी शक्ति को पढ़ाना है। महापुरुषों ने दिया सम्मान, नारी ने ऐसे किए कमाल। गांव शहर देश, नारी ने कार्य किए विशेष। देखो नारी चित्र बना है माँ का और बच्चे का, बिना माँ के बच्चों का अस्तित्व ही नहीं है। तो इसलिए अगर सशक्त माँ होगी तो सशक्ति बच्चा भी शक्तिशाली ही होगा। माँ ही उसको शिक्षा देती है, माँ उसकी पहली टीचर होती है। आगे बढ़ेंगे इसी प्रतियोगिता में। हमारे साथ है, नाम बताइए अपना बेटा। रोशनी, कौन सी क्लास है? एर्थ। क्लास एर्थ। आपने भी बहुत अच्छा चित्र बनाया है, क्या बनाया बताओ इसके बारे में। एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही है। एक टीचर है जो बच्चे को पढ़ा रही है, वेरी गुड। ये चित्र बनाया है आपने मिशन शक्ति के अंतर्गत, महिला शक्तिशाली जो कि एक शिक्षा के लिए अपनी उनकी जागरूकता है। अंतरा आपने भी चित्र बनाया है, क्या है इसके अंतर्गत? डॉक्टर बनी है, उसके मम्मी पापा उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छा चित्र है। यहाँ पर एक हमारे साथ कितना अच्छा एक लड़का है जिसने मिशन शक्ति के ऊपर चित्र बनाया है लड़का होकर। बेटा बताओ क्या बनाया है इसमें? हाँ, उसने शक्ति के रूप में शेर को दिखाया है, एक डॉक्टर की फोटो बनाई है और साथ में क्या बनाया है, कौन है वो इधर? टीचर बनाई है। बहुत अच्छा, तालियां होनी चाहिए क्योंकि लड़के ने किया था। मिशन शक्ति के लिए लड़का भी आगे आया है ये। आप नाम बताओ बेटा। क्लास सेवेंथ, क्या बनाया आपने इसमें? इसमें हमने ये बनाया है, ये लड़की पढ़ रही है। ये लड़की पढ़ रही है और क्या लिखा नारा इसके ऊपर, क्या लिखा हुआ है? मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, मतलब नारी है और वो शक्ति है, अब उसको कोई कमजोर नहीं समझेगा। हम अपने ही सेफ्टी के लिए यहाँ पर, और इसी में हमारे पास क्लास एट्थ के प्रिंस आ जाते हैं। प्रिंस ने भी अपना बहुत अच्छा यहाँ पर मिशन शक्ति, क्या है इसके ऊपर लिखा हुआ बेटा? सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र। हाँ, सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र, मतलब जब तक महिला शक्तिशाली नहीं होगी तब तक राष्ट्र भी शक्तिशाली नहीं होगा। अगर राष्ट्र कमजोर होगा तो क्या होगा, हम हार जाएंगे हर जगह पर। इसी में आगे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने निबंध प्रतियोगिता में पार्ट किया था, जिसमें कि नाम बताते जाओ अपना बेटा। निशा, ताहिरा। ताहिरा कुछ बड़ी महिलाओं के बारे में नाम बताओ, अभी आप नाम बता रही थी कुछ महिलाओं के। श्रीमती आहिल्याबाई, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो उसने बहुत अच्छी महिलाओं का, महान व्यक्तित्व महिलाओं के बारे में बताया। उजैफा, महिलाओं के लिए क्या, सुरक्षा के लिए क्या आपने लिखा बताओ? अगर कोई लड़का परेशान करे तो तुरंत महिला सहायता 1090 पर कॉल करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चमन तारा बताइए, दिखाओ अपना, दिखाओ जो इन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, रंग बिरंगा सजा कर इन्होंने, बताओ महिलाओं के लिए बताओ, बोलो बेटा। पढ़ना आना चाहिए, अगर पढ़ी लिखी लड़की है तो कहीं फेल हो सकती है जीवन में? नहीं, हर चीज में हम आगे बढ़ेंगे। आगे आप बताओ बेटा। हाँ, बेटियां भी देश की शान होती हैं। तो आज के दिन मिशन शक्ति का कार्यक्रम पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर में हम लोगों ने संपन्न कराया है और हमारे सारे ही बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट बहुत अच्छा, स्लोगन प्रतियोगिता भी करी है, पोस्टर प्रतियोगिता भी की है और बहुत अच्छा बना। एक बार पास आ जाइए आप सब लोग, टेबल पे यहाँ पर रख दीजिए अपने पोस्टर्स को सब, ताकि हम एक साथ